बैकफुट फोर्सिंग शॉट जगह छोड़ बॉल देन गो टू फील्ड बैकफुट फोर्स शॉट अभी हमने खेला है वेस्ट साइड पे होता है नीचे होता है थोड़ा वेस्ट साइड से आउटसाइड आउटसाइड खेला जाता है और बॉल भी कंप्लीट करता है हेड ऑल द टाइम आगे रहेगा और वेट किस टाइम पे ट्रांसफर हुआ था बैक फुट ठीक है वेट आपका बैक फुट पे रहेगा जी ये इसके कोचिंग पॉइंट है जो कि आपने निकाले रिवर्स चेंज इसका यही है पहले स्विंग है फिर स्टेप एंड स्विंग फिर स्टार्ट स्विंग यस सर कोई सवाल बात कुछ नहीं है तो नो सर डन क्लियर हो गया गुड ओके वेरी गो यप ये सर ये स्पिनर्स को है या ओके राइट फुल शॉट ये उस बॉल को मारा जाता है स्पिनर की जो शॉट पीछे है शॉट की बॉल होती है इसकी आइडियल हाइट वेस्ट और चेस्ट के नीचे अटैकिंग शॉट दिखाऊंगा बताऊंगा उसके हम आज काम करेंगे वो है स्ट्रेट ड्राइव चल वेल फेल ये शॉट मेरा खुल गया बजा अब ये बहुत ही मशीन के चोट को मैं चोट का बताने लगा बहुत दूर किया वहाँ के ये मैंने स्पर का कौन सा रख दिया शो कर दिया शो यस सर अब मैं आपको बहुत दिन कोचिंग पॉइंट दूंगा स्ट्रेट ड्राइव उस बॉल को मारते हैं ओवर पिच हो मिडल और ऑफ स्टंप पे पिच होती है उसमें हम अपने फ्रंट फुट को क्लोज टू द बॉल लेके जाते हैं इनसाइड द फुट बॉल को लेंगे तब हेड टॉप ऑफ द बॉल फॉलो थ्रू स्ट्रेट एंड वी फिनिश और फॉलो थ्रू द मिडल ठीक है जी यस सर राइट ऑर्गेनाइज करना प्रॉपर अभी थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं थी यस सर अब मेरा कोचिंग पॉइंट भी मैं बता दूँ पहले हमने क्या किया जस्ट स्विंग ठीक है उसमें भी हमने सिर्फ चेक शॉट खेला था और फॉलो थ्रू को मेंटेन रखना था बाज़ बच्चों को मैंने देखा है उन्होंने मारे किसी का बैट यहाँ फिनिश हो रहा है किसी का पूरा यू फिनिश कर रहा है किसी का यू बाद में फॉलो थ्रू पर कोई भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा सबसे इम्पोर्टेंट फॉलो थ्रू है जितना अच्छा फॉलो थ्रू होगा उतनी एक्यूरेसी रहेगी राइट अब हम इसमें अगला स्टेप करते हैं अब कौन सा स्टेप होगा स्टेप एंड स्विंग ठीक है जी यस सर पार्ट टू रिवर्स चेनिंग का नंबर दो स्टेप एंड स्विंग स्टेप एंड स्विंग बैट ऊपर है पहले से स्टेप स्टेप स्विंग एंड स्विंग Yes, और मिलते हैं चेक शॉट पूरा कंप्लीट करेंगे फुल एक्सटेंशन या आर्म आपके बैट से और आपके आर्म से नाइन फिगर बनेगा और हेड आगे नाइन फिगर ठीक है सर नाइन फिगर बनेगा स्टेप एंड स्विंग गो स्टेप एंड स्विंग क्या करेंगे लाइन है तो बॉल वेट करना है फिर अगला पैर पीछे देखेगा पीछे वाला पैर देखो क्रॉस आएगा बॉल आपको जाना होगा उस
ऊपर से नीचे जाएगा, बैट ऊपर से नीचे आएगा, जिसमें हम अपनी रिस्क को भी बंद कर रहे हैं। सर ये बैक एंड क्रॉस, बैक एंड क्रॉस जब जाते हैं ये स्टंप से, तो इस तरह मतलब किस तरीके से कितना पैर बाहर होना चाहिए स्टंप से? बॉल की लाइन आपको लाइन तो बॉल नजर आएगी, उसके साथ आप जाएंगे, ठीक है? आपको शॉट अब आप यहाँ खड़े हो जाएंगे, उनको बॉल देते हैं। यस सर, डबल लग गया, जस्ट स्विंग, ठीक है, सही है। स्टेप एंड स्विंग होगा, स्टेप एंड स्विंग। स्विंग, यस सर, हाई टू लो, स्विंग, स्टेप स्विंग। अब क्या करें? स्टांस, स्टेप स्विंग, स्टेप एंड स्विंग, गो एंड प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू सर। यस सर, लेवल आ जाएंगे, टैप करेंगे, रेडी पोजीशन पे क्या होगा? थोड़ा पावर पोजीशन, इट्स कॉल्ड रेडी पोजीशन। रेडी पोजीशन कहते हैं, पावर पोजीशन कहते हैं। बैक कहाँ आ जाएगा? टमी क्यों? ओपन ओपन टू फर्स्ट लेफ्ट पॉइंट की तरफ, बॉटम हैंड जस्ट लाइक अ पैड जैसे पकड़ते हैं। यस, बस फिंगर थंब ऐसे हो जाएगी ताकि आपका जो हैंडल है आपके पाम से दूर हो जाए। यस सर, रेडी पोजीशन में और प्रेस हल्का सा फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे और पीछे जाने में। एनी क्वेश्चन? नो सर। अब ये ग्रिप फैशन फिनिश हो गया, आपका आपके तलवे के साथ वहाँ की जो आपके जो गोल होता है ना, वो वेट वहाँ पर तो पंजे पे नहीं, पंजे पे होगा तो फिर आप बैलेंस नहीं होंगे, अगर आप चले गए तो आप फंस जाएंगे। बहुत अगर फीट पे होंगे तो आपको अच्छा स्प्रिंग मिलेगा आगे पी जाने के लिए। क्या आपके बॉल भी है? और इसको पश्तो में क्या बोल सकते हैं? अल्लाह पकार के बाल बता रूंगा के गोते मुंह बाल आ जा, अल्लाह कतार हो गया हमने कौन सा सेशन किया है? ग्रेट स्ट्रेट ड्राइव, बिफोर ऑल थिंग्स सर, ये पहला पहली दफ़ा है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। ओके सर, मैंने एक बात कही थी कोच और कोचिंग पॉइंट मिस करोगे, हाँ, और वो आपने अभी से शुरू कर दिया। अभी हमने कौन सा शॉट? स्ट्रेट ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव। किस बॉल को मारते हैं? बीच में होता है, कौन सी बॉल को मारते हैं? लाइन मिडिल ऑफ स्टंप पे हो और फुट का फासला रखें, कोई आगे हो जाए कोई पीछे हो जाए, स्ट्रेट ड्राइव। किस बॉल को मारते हैं? सर वो जो ओवर पिच बॉल होती है और मिडिल और ऑफ स्टंप के बीच आती है। ठीक है, इस वक्त जहाँ आप खड़े हो सही पोजीशन है? नहीं सर, सामने तो
नो सर क्यों बिकॉज यू आर टीचर्स आप लोग बच्चों को धूप में खड़ा कर देंगे ऐसे मैंने क्या कहा था यस सर धूप मैंने कहा था पहले बात है ड्यूरिंग दैट पीरियड इस तरह का होगा क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी चीज़ें करानी तो yes. मेरे जहन से निकलेंगी कि यहाँ सूरज कहाँ कहाँ अब वो सब कैसे खड़े हैं बिल्कुल सर तो यूँ खड़ा है कोई खड़ा है इसमें आपका कसूर नहीं है इट्स माई फॉल्ट आपका कसूर नहीं है मेरा फॉल्ट ठीक है ना okay. मगर क्योंकि अब मुझे चीज़ें बहुत करानी है तो आप लोग का ऐसे होगा मगर आप लोगों ने ये नहीं करना ओके सर आप लोग उनको लाना उधर ही ओके सर राइट है ओके सर अच्छा टेंथ कौन सी है इसके लिए आइडियल मिडिल ऑफ स्टंप तो लाइन हो गई लेंथ लेंथ ओवर पिच बॉल ठीक है पैर कैसा होगा फ्रंट फुट बैंड हेड द शोल्डर डाउन नजर आई ऑन द बॉल बैट ऑफ द बैट पॉइंट क्लोज टू द आई एंड बैट एंड बैट फ्रंट ऑफ आई बॉल थ्रू टू बॉल टुवर्ड्स द टारगेट आर बॉल और हाई एल्बो यस सर टॉप एंड फॉर्म बनेगा बॉटम एंड उसके साथ लेग करता हुआ उसके पीछे जाएगा ओके सर ठीक है जी यस सर तो ये इसके कोचिंग पॉइंट्स होते हैं इसमें से कोई भी तीन कोचिंग पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं ये कोचिंग पॉइंट्स हैं सब पॉइंट्स मिलते हैं स्टेप एंड स्विंग स्विंग स्टार स्टेप एंड स्विंग वो कोचिंग पॉइंट्स नहीं है यस सर वो तरीका है सिखाने का आसानी से मुश्किल की तरफ जाने का ठीक है जी रिवर्स चेनिंग हमने की अभी तो प्रोग्रेशन में क्या होगा प्रोग्रेशन नहीं होगी तो फिर फील्डिंग कर ले जरा ठीक है जी यहाँ से भी होगी स्टेप से भी होगी स्टार स्टेप से भी होगी वो लूप बॉल भी कर सकते थे जिस तरह आप प्रिपरेशन करते हुए पीछे तक जाते एनी क्वेश्चन कोई बात ना समझ आई हो इस शॉट के हवाले से सब क्लियर है अच्छा जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जब भी ड्रॉप बॉल करेंगे यस सर उसको सेकंड बाउंस के ऊपर मारना है फर्स्ट के ऊपर नहीं मारना टाइम नहीं मिलेगा ओके सर तो सेकंड टिप के ऊपर इजी आपके लिए बोल रहा हूँ जब सेकंड वन टू हिट पहले पे मारेंगे आपको टाइम नहीं मिलेगा हमेशा बॉल ऊपर की तरफ जाएगा कोई भी शॉट खेलने जाएंगे टाइम भी नहीं मिलेगा डेमो अच्छी नहीं होगी खूबसूरत नहीं लगेगी इसलिए जब वन टू दूसरा जब गिरेगा फिर उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे ठीक है रिवर्स चेनिंग का फर्स्ट स्टेप पार्टनर एडजस्ट करें बटिया बैग वेट ट्रांसफर हेड और शोल्डर टॉप ऑफ द बॉल ठीक है जी पूरा पहले क्या करेंगे स्विंग स्विंग पहले खड़े हो गए बल्ला उठा लिया देखिए यस सर बॉल प्लीज स्टांस स्टेप एंड स्विंग नाउ गो एंड प्रैक्टिस जो ऑफ फायर होता है जो बड़ा अटैकिंग स्ट्रोक है ये बहुत स्ट्राइकिंग और बड़ा खूबसूरत लगता है सबसे खूबसूरत ठीक है जी किस किस्म की बॉल को मारते हैं जो और पिच और ऑफ स्टंप और पिच एंड ऑफ स्टंप से बाहर क्या उसकी थर्ड एंड फोर्थ स्टंप के बाद ओवर पिच बॉल पे ठीक है ये बैंड वेट कौन से फुट पे ट्रांसफर होगा फ्रंट फुट पे बैंडी के साथ नजर आई ऑन द बॉल कांटेक्ट टू बॉल Front of your eyes, middle of the bat, follow through Threat. towards the target, finish karenge with the high elbow and stay there. Ye bhi humne check shot khela hai, aapko marenge,
चेक शॉट ऊपर आएगा, यहाँ से आप रोल रिस्ट करते हैं और बैंड आपके शोल्डर पे आ जाते हैं और ये फुल सिक्स शॉट फिनिश हो जाता है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन, कोई बात पूछनी है कवर ड्राइव के वाले से, कोचिंग पॉइंट्स, कोई चीज़ क्लियर है सर? बच्चों जो पाकिस्तान से है हिट मारेंगे विद द बिगेस्ट स्ट्राइड होगी ड्राइव, बिगेस्ट स्ट्रेट ड्राइव के लिए, कवर ड्राइव के लिए, ये कोचिंग पॉइंट्स में आते हैं। हेड स्टिल होगा, आई ऑन द बॉल, आई ऑन द बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे जो हैं वो जहाँ शॉट मार रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेशनरी बॉल पर हिट नहीं लग रही, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉल पर नज़र रखनी है, आपकी नज़र चली जाती है अगर, अब क्या हुआ मैं यहाँ पर। यस सर, ये इसके कोचिंग पॉइंट है, बैक ऑन क्रॉस, नज़र जाने से क्यों मना कर रहा हूँ? हाँ जी, मैं क्यों कह रहा हूँ कि नज़र ना जाए वहाँ? सर बॉडी अनबैलेंस हो जाती है, अनबैलेंस हो जाए, बैलेंस नहीं रहेगी। और बॉल सब टाइम नहीं होगा, पीछे क्या होता है मोस्टली करते हैं तो बॉल को पिच के बाद नज़र हमारी पहले वहाँ चले जाते हैं, बॉल को स्पीड और वो लाइन हाइट जब नहीं होती, आप देखें बहुत दफ़ा मिस्टेक बॉल हो जाती है। बच्चों का भी आदत डालेंगे तो नज़र ऑटोमेटिकली जाती है और जाएगी भी, मगर शेडो प्रैक्टिस जितनी आप ऐसे कराएंगे तो मारने के बाद फॉल भी कंप्लीट होगा, उसको तो खुद नज़र जाएगी मैच में, और प्रैक्टिस में आपने यही करानी है तो नज़र आप यही रोकती, स्विच शॉट में भी यही है, हाई टू लो नज़र सामने रहे, हेड आगे ही रहेगा ऑल द टाइम, पोस दी क्या होता है या स्विच मारते हैं पीछे जाता है, ये भी जॉब है, जॉब शॉट अच्छा कंट्रोल ही होगा, अभी पुल मारते भी बात लोगों का ये पीछे गिरता है, इसको आप जितना मिलते हैं रखेंगे आगे की तरफ, बैलेंस उतनी पावर और एनर्जी ज़्यादा अच्छी आएगी शॉट, मेक श्योर इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। यस सर, जल्दी नहीं करनी मारने, पहले बैलेंस बनाना, फिर प्रैक्टिस 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 मोटर स्किल, ये पोजिशन नहीं है, स्लो हो जाए कोई बात नहीं, कोई स्किल डिवेलप ऑटोमेटिक होती मिल जाए। एनी क्वेश्चन? कोई नहीं सर, ये बैक ऑन क्रॉस देन बैट ट्रांसफर, बैट हाई टू लो, बैक ना क्रॉस करेंगे बैट से पीछे जाएगा। यस सर, स्क्वीज बनाई देन से स्क्वीज, स्पिनर को और हम अभी बच्चों को ये शॉट सिखा रहे हैं, बच्चों की स्पीड कम होती है। यस सर, तो ये फीट मूवमेंट जितनी ज़्यादा चलेगी अच्छी उतनी अच्छी बात है। यस, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग जितने अच्छे पैर चलेंगे उतना अच्छा, एनर्जी उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रांसफर होगी अपर बॉडी पर, राइट? यस सर, हम लोगों के हाथ चल जाते हैं पैर चलते नहीं, बिल्डिंग में भी बिल्डिंग हाथों से नहीं होती पैरों से होती है। yes. इधर भी जितनी जल्दी पैर तेज अच्छे चलेंगे बेस बनेगा, उतने अच्छे कंट्रोल के साथ शॉट पावरफुल से लगेंगे, कंट्रोल से लगेंगे। अभी आपने क्या किया? स्विंग कर लिया, ठीक है जी, सिंपल, रेडी होके स्टेप, पूरा टाइम दे, जल्दी नहीं है मारने की, क्या आप स्टेप्स याद कर रहे हैं, स्टेप एंड स्विंग, ठीक है, हम दो दो शॉट खेलेंगे, स्टेप एंड स्विंग हो गया, स्टांस से आएंगे, स्टांस स्टेप स्टेप स्विंग एंड स्विंग, ओके ठीक है जी, यस सर, गो एंड प्रैक्टिस, जस्ट स्विंग, ठीक है, उसमें भी हमने सिर्फ चेक शॉट खेला था और फॉलो थ्रू को मेंटेन रखना था, बाद बच्चों को मैंने देखा है उन्होंने मारे, किसी का बैट यहाँ फिनिश हो रहा है, किसी का पूरा यूँ फिनिश कर रहा है, किसी का यूँ बाद में फॉलो थ्रू पे कोई भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉलो थ्रू का, जितना अच्छा फॉलो थ्रू होगा उतनी एक्यूरेसी रहेगी, राइट? अच्छा शॉट लग जाए वही अपने डेमो बंद करें।
के बाद ज़्यादा डेमो मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गलत होता रहेगा तो बच्चे बोलेंगे क्या हो रही है। तो पहला शॉट जो मेरा लगा ग्रिप दिखाने के साइड आप करते हैं, रखना है इन साइड उठाए, हाथ दोनों रखकर डाउन एंड होल्ड करेंगे ग्रिप को और देखेंगे किस तरह की ग्रिप बनी है, ठीक है जी। देखिए मैंने बगैर देखे 20 मेरे एक लाइन में है, दोनों हाथ करीब है, हैंडल यहाँ से निकला हुआ है और नीचे भी नहीं है, मिडल ऑफ द हैंडल मैंने बॉल बैट को पकड़ा, राइट सर। तो अब हम पेयर्स में खड़े हो जाए सब आमने सामने दूसरे के, ये कोने लगी हुई है दो हम अपने फ्रंट फुट को क्लोज टू द बॉल लेके जाते हैं, इनसाइड जब फुट बॉल को लेंगे तो हेड टॉप ऑफ द बॉल फॉलो थ्रू स्ट्रेट एंड वी फिनिश और फॉलो थ्रू को मेंटेन रखते हैं, ठीक है जी। राइट सर यार बस सही शो स्विंग किया है सर, स्विंग कर लिया, ठीक है जी, सिंपल रेडी ओके स्टेप पूरा टाइम है, जल्दी नहीं है मारने की क्योंकि आप स्टेप्स याद कर रहे हैं एंड स्विंग, ठीक है। करेंगे उसको सेकेंड बाउंस के ऊपर मारना है, फर्स्ट के ऊपर नहीं मारना, टाइम नहीं मिलेगा। ओके सर, जब सेकेंड टिप के ऊपर इजी आपके लिए बोल रहा हूँ, जब सेकेंड वन टू फिर पहले पे मारेंगे आपको टाइम नहीं मिलेगा, हमेशा बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, कोई भी शॉट खेलने जाएगा टाइम भी नहीं मिलेगा, डेमो अच्छी नहीं होगी, खूबसूरत नहीं लगेगी, इसलिए जब वन टू दूसरा जब गिरेगा फिर उसको आप एग्जीक्यूट करें, थैंक यू सर, ठीक है। कॉन्टैक्ट आई एंड फ्रंट ऑफ माई आई फॉलो थ्रू टू बॉल टू वर्ड्स द टारगेट और हाई एल्बो टॉप एंड फॉर्म करेगा बॉटम एंड उसके साथ लेग करता हुआ उसके पीछे जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसके कोचिंग ब्याहला ठीक है, कॉन्टैक्ट आई एंड फ्रंट ऑफ माई आई फॉलो थ्रू टू बॉल टू वर्ड्स द टारगेट और हाई एल्बो टॉप एंड फॉर्म करेगा बॉटम एंड उसके साथ लेग करता हुआ उसके पीछे जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसके कोचिंग ग्रिप दिखाने के साइड आप करते हैं, रखना है हाथ दोनों रखकर डाउन एंड होल्ड करेंगे ग्रिप को और देखेंगे किस तरह की ग्रिप बनी है, ठीक है जी। देखिए मैंने बगैर देखे 20 मेरे एक लाइन में है, दोनों हाथ करीब है, हैंडल यहाँ से निकला हुआ है और नीचे भी नहीं है, मिडल ऑफ द हैंडल मैंने बॉल बैट को पकड़ा, राइट सर। तो अब हम पेयर्स में खड़े हो जाए सब आमने सामने दूसरे के, ये कोने लगी हुई है दो वेट कौन से फुट पे ट्रांसफर होगा, फ्रंट फुट पे बैंडनी के साथ नजरे बॉल पे ऑन द बॉल कॉन्टैक्ट बिफोर द बॉल फ्रंट ऑफ योर आईज मिडल ऑफ द बैट फॉलो थ्रू टुवर्ड्स द टारगेट फिनिश करेंगे विद द हाई एल्बो एंड स्टे देयर करेंगे उसको सेकेंड बाउंस के ऊपर मारना है, फर्स्ट के ऊपर नहीं मारना, टाइम नहीं मिलेगा। ओके सर, जब सेकेंड टिप के ऊपर इजी आपके लिए बोल रहा हूँ, जब सेकेंड वन टू फिर पहले पे मारेंगे
आपको टाइम नहीं मिलेगा, हमेशा बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, कोई भी शॉट खेलने जाएगा टाइम भी नहीं मिलेगा, डेमो अच्छी नहीं होगी, खूबसूरत नहीं लगेगी। इसलिए जब वन टू दूसरा जब गिरेगा फिर उसको आप एग्जीक्यूट करें। थैंक यू सर। जो राइट हैंड वाला है वो अपने आप दूसरे से देखेगा बैट आप रखें। इसके तीन तरीके हैं ग्रिप सिखाने के। बैट आप रखते हैं हैंड पे रखना है, साइड उठाए हाथ दोनों रखकर डाउन एंड होल्ड करेंगे ग्रिप को और देखेंगे कि किस तरह की ग्रिप बनी है। ठीक है जी, देखिए मैंने बगैर देखे बीच मेरे एक लाइन में है, दोनों हाथ करीब है, हैंडल यहाँ से निकला हुआ है और नीचे भी नहीं है, मिडल ऑफ द हैंडल मैंने बॉल बैट को पकड़ा हुआ है, राइट। तो अब आप प्लेयर्स में स्विंग बैट ऊपर है, चेनिंग स्टेप एंड स्विंग, स्टेप एंड स्विंग और मिलते हैं चेक शॉट पूरा कंप्लीट करेंगे। फुल एक्सटेंशन है आर्म, आपके बैट से और आपके आर्म से नाइन फिगर बनेगा और हेड आगे की तरफ ही। ठीक है सर। आई ऑन द बॉल। ठीक है, नी बैंड वेट कौन से फुट पे ट्रांसफर होगा? फ्रंट फुट, फ्रंट फुट पे बैंड नी के साथ। नजरें बॉल पे, आई ऑन द बॉल, कॉन्टैक्ट बिफोर द बॉल, फ्रंट ऑफ योर आईज, मिडल ऑफ द बैट, फॉलो थ्रू टुवर्ड द टारगेट, फिनिश करेंगे विद द हाई एल्बो एंड स्टे देयर। पहले मुखामो आओ कम पर दी पहले बॉली पी दे बॉल आ बे दे पहले आओ कम के आ पहले बॉल कवर के बे आ पहले वो संगा आ वाओ दा जिसे कर दा से कम कि तू दा से रेडी ओसी गुड 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 शॉट दा गुड 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 दा सही दे गोरा चला चला शपल के ना कोर तलल सी दा ड्रिल कवा जान तक पला गोरा लांद संग पी में संग दे गुड गुड शाबाश रेडी गुड शॉट زبال لالم آ گئے ازا شابا ویڈیو کی ہٹیٹ کو ون نارا ڈیر کھلے پورا بال چتا ہوئے گنا لک ٹائم والا پر ایک پلک ٹائم والا ادرو کی کس تاریخ کی کی دار دن دی ہاں چودری کی ہاں پلے گو ادرو نیسے چ بیلنس تیرا شابا صحیح 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 ویل پلیڈ دیر کھلے شابا ویل پلیڈ شاباش یہ وقت کے عدنان لگیا دے حذیفہ والا چکم دے دیر کھولے دا بیلنس اور دا سٹریٹ ڈرائیو ڈیفنس پریکٹس ور گئی ریڈی اس ازیا صرف چے سٹریٹ شاب دیر کھولے سیدھا راجے حذیفہ صحیح دے بچے صحیح دے شاباش بال باندے نظر ساتا صحیح دے مرا خوزا
ډیر خوله شابس سید صاحب خیر دل اقبال مخ کیدره سید وے اوسه پا ٹھکروانے یار سید نہ سید پورا دی خراشه مخ تراشه لگر اخ په بوت بار کې سیده به اخلي خیر خیر مال اوله برنه لا سخت لاندنه سوس ته ما پرنو ملو ها شاباش ډېر ښکلی شاټ شابه نه ده صحیح شابه نه ده ګډ فیلډنګ خوشحال دغه سي خپه بوده لږ بار کې دن نه به راځي شابه نه ده صحیح دی بٹن ټول ته سلامونه د پاور هټینګ او موږ دلته کې د وړوکي سره بیسکس کوو عدنان لګیا دی چې څنګه به سټریټ ډرایو وي کور ډرایو به وي او سیده به راځي او دا خوشحال خان دی خوشحال دی خوږو رضیا د یاسر شاه اکیډمۍ د جونیئر ټیم کپتان به کې خیری او ملک هم دی اکیډمۍ ماشاءالله حذیفا چې کوم دی ما خوری دی ضروری نه ده چې ته بال پوش کی چې کوم بال د پوش کول نه لا وی درو ها ای ډیفنس وکای سٹاپ وکا بس بس زه واخ او خیال کو خوشاله خو خوشی وځه صحیح ده صحیح ده نرا شاباش لگ بیٹ تاو کلاس دا دا کسے بالکل صحیح اوس صحیح ده صحیح ده دا غسی انا اوس شاته نه خپل غورځي مخ کرا تا دا عدنان دے کوچ دیا سرشا کرکٹ اکیڈمی او حذیفہ سارا پریکٹس کئی شاباش